हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स के लिए बेटा चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं भक्ति मोमेंट, और चैप्टर नंबर 14 और 15 30% सिलेबस रिड्यूस होने के कारण मैंने वो स्किप कर दिए बेटे, इसलिए आपका चैप्टर नंबर 16 है, इसी पे टिक करना। आपका नेम है भक्ति मोमेंट बेटा, ये रहा आपका चैप्टर। एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेसन बेटे। भक्ति मोमेंट वॉज अ डिवोशनल मोमेंट स्टार्टेड बाई स्पिरिचुअल गुरुज। ये एक डिवोशनल मोमेंट था जिसमें समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के प्रति, एंड स्टार्टेड बाय स्पिरिचुअल गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने स्टार्ट किया था। आइडेंटिफाई दीज स्पिरिचुअल पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस देयर डिस्क्रिप्शंस, टेक हेल्प फ्रॉम द क्ल्यू बॉक्स। यहाँ पे देखो इनकी पिक्स भी दी हुई है, और ये जो पूरी डिटेल है इसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, मीन्स वर्णन करना, खोल कर बताना। आप ये सभी स्पिरिचुअल पॉइंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पोएम्स वगैरह लिखी है, तो आपने यहाँ पर उनको पहचान के आइडेंटिफाई करके उनके नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ आपने पिक में देखो बेटे, यहाँ पर देखो एक तारा हाथ में लिए हुए हैं, आँखों में प्रॉब्लम है। तो ये कौन थे हमारा, ही वॉज अ ब्लाइंड संत पोइट एंड म्यूजिशियन, तीनों ही थे, संत भी पोइट भी और म्यूजिशियन भी। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज डिवोशनल सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और इनकी सारे जो सॉन्ग होते थे, पोएम्स होती थी, वो किसको डेडिकेट होती थी, समर्पित होती थी, भगवान कृष्ण को। द नेम ऑफ दिस संत इज़ सूरदास। क्या नाम है बेटा, सूरदास। सेकंड देखो, सेकंड की पिक यहाँ है बेटा, ये देखो, देखने से ये तो सभी को ही पता चल गया होगा कौन है। यस, अ पोइट एंड संत एंड अ फिलोसफर, पोइट संत और फिलोसफर तीनों ही हैं। ही रोट रामचरितमानस, किस क्या लिखी थी इसने, याद रखना है इसकी, रामचरितमानस। एंड इज आल्सो सेड टू हैव कंपोज द हनुमान चालीसा, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही कंपोज की थी। नेम क्या है बेटा, तुलसीदास। क्या नाम है, तुलसीदास, तुलसी का दास। थर्ड देखो बेटा, यहाँ पर ये रही पिक थर्ड होगी, स्वामी गुरु रविदास। अ पोइट बोर्न इन अनटचेबल फैमिली, अनटचेबल होता है जहाँ छुआछात की भावना हो। इट इज़ सैड दैट ही हैड आल्सो मेट गुरु नानक, वो गुरु नानक से भी मिले थे। मैनी ऑफ द पोएम्स आर ए पार्ट ऑफ आदि ग्रंथ, और उसकी जो बहुत सारी पोएम है वो किसका पार्ट है, आदि ग्रंथ का। इनका नाम है संत रविदास जी। फोर्थ देखो बेटा, यहाँ पर ये है फोर्थ की पिक। ही वॉज द मिस्टिक पोइट, ही रोट गीत गोविंद, इसकी सबसे बड़ी रचना थी बेटा गीत गोविंद। इनका नाम है जयदेव। फिफ्थ की पिक यहाँ है देखो, संत कबीर, ये तो सभी को पहचान में आते हैं। ही वॉज अ वीवर, जुलाहे, वीवर क्या होता है, बुनने वाले, जुलाहे बाई प्रोफेशन, एंड आल्सो ए मिस्टिक पोइट, और मिस्टिक पोइट भी थे। हिज हिम्स पैराबल्स और प्रोवर्ब्स आर पॉपुलर इवन टूडे, इनकी जो पैराबल्स हैं और मीन्स स्टोरीज वगैरह प्रोवर्ब्स आज भी पॉपुलर हैं। इनका नेम है कसंत कबीर। सिक्स नंबर पे ये देखो, बुल्ले शाह। ही वॉज अ सूफी पोइट फ्रॉम पंजाब, पंजाब से हैं, सूफी पोइट है, मीन्स मुस्लिम्स हैं। His poetry explaining his views on life are popular even today. His poetry has been rendered by famous Kavvals. Kavvals के द्वारा इसको बहुत माना जाता है, बाबा बुल्ले शाह। सेवन्थ ये देखो, अमीर खुसरो। A Sufi musician, poet and scholar. Musician भी है, poet भी है and scholar भी है। He is said to have invented the sitar and the tabla. और इनको कहा जाता है कि इन्होंने इन्वेंट ही किया था, खोज की थी, किसकी बेटा, आविष्कार किया था सितार का और तबला का। हिज मुखरियान आर द फेमस इवन टुडे, द नेम इज अमीर खुसरो। एट्थ ये देखो बेटे, संत तुकाराम। अ पॉपुलर संत फ्रॉम प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से। आपको इनके सिटी नेम जरूर याद रखने हैं, और इनकी जो रचनाएँ हैं, कंपोजिशंस हैं, वो भी जरूर याद रखनी है, दो चीज़। दीज रिवाइज द स्ट्रगल्स, ही इज़ फेमस फॉर हिज अभंग्स, इनकी रचनाओं को अभंग्स कहते हैं। दीज रिवेल्स द स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द वेरियस स्ट्रगल्स स्टेजेस ऑफ भक्ति, ह्यूमन माइंड के स्ट्रगल्स को डिफाइन करता है और भक्ति की जो वेरियस स्टेजेस होती हैं उनको। संत तुकाराम फ्रॉम द महाराष्ट्र, लर्न दिस पर्टिकुलरली फ्रॉम महाराष्ट्र। नास्ट देखो, संत मीराबाई, कृष्ण की भगत हुई हैं। सी वॉज अ पोइटेस एंड अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, वो पोइटेस भी थी, कवित्री भी थी और लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी। ही हर डीप डिवोशन टू कृष्णा स्टार्टेड व्हेन शी वाज ओनली 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 4 ईयर्स ओल्ड थी, मीन्स 4 साल की थी, तभी उसकी डिवोशन स्टार्ट हो गई थी बेटे। तो ये सब है, और पिक भी देख सकते हो आपके, फिर से मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर इनके जो सिटी नेम है, कौन पंजाब से है, महाराष्ट्र से है, कहाँ से है, और इनकी जो रचनाएँ हैं जैसे अभंग्स हैं और जो भी हैं,
ये आपको लर्न करनी है। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।